रियल इंसिडेंट पर बेस ये कहानी है एक कुत्ते की, लेकिन कोई आम कुत्ता नहीं। इस कुत्ते ने अपने कारनामों से वो सम्मान हासिल किया जिसने इसे एक रियल लाइफ हीरो बना दिया। कब, कहां और कैसे, तो आइए जानते हैं इस हीरो के बारे में। नेटफ्लिक्स मूवी टाइम में आज मैं आपके लिए लाया हूँ टोगो। साल 2019 में रिलीज एक कुत्ते पर आधारित इस फिल्म को दुनिया भर के दर्शकों से प्यार मिला और यही कारण है कि IMDb पर इस फिल्म को 8/10 रेटिंग हासिल है, जो कि सुपर है। कहानी है साल 2013 की। लियोनार्ड शेपाला USA में अलास्का के एक छोटे से शहर नोम में अपनी वाइफ के साथ रहता है। बता दूं कि अलास्का एक ठंडा इलाका है और साल में अधिकतर यहाँ बर्फ जमी रहती है। शेपाला के पास बहुत से कुत्ते थे। ये कुत्ते शेपाला की स्लेज कार खींचते थे और इसी स्लेज कार से शेपाला अपनी रोजी रोटी कमाता था। एक दिन कुत्तों के बाड़े में एक फीमेल डॉग कुछ पिल्लों को जन्म देती है। इनमें से एक पिल्ला यानी कि पपी बहुत कमजोर था और साइज में भी ये बाकियों से छोटा था। गर्भ में शायद पोषण की कमी रह गई थी, फिर वह बीमार भी पड़ गया। शेपाला की बीवी को उस पर तरस आ जाता है और वो उसे घर के अंदर ले आती है। शेपाला जब घर लौटता है और देखता है कि उसकी बीवी एक पिल्ले को घर में ले आई है, तो वो उस पर थोड़ा नाराज होता है। फिर वह अपनी बीवी को समझाता है कि देखो, कुत्तों से हमारा रोजगार का रिश्ता है, इस तरह अगर हम कमजोर कुत्तों को घर में रखने लगे तो हमें नुकसान झेलना पड़ेगा। शेपाला की बीवी कहती है, लेकिन अगर हमने इसे बाहर छोड़ दिया तो ये जिंदा नहीं रह पाएगा। शेपाला कहता है, इसके लिए यही अच्छा है क्योंकि यह एक कमजोर कुत्ता है जो बड़ा होकर स्लेज डॉग कभी नहीं बन सकता। कुल मिलाकर यह एक बोझ की तरह रहेगा। शेपाला की बीवी आगे कुछ नहीं कहती, लेकिन किसी तरह शेपाला को मना लेती है कि जब तक वो ठीक ना हो जाए तब तक उसे घर में ही रहने दे। कुछ दिन बाद वह पिल्ला ठीक हो जाता है तो शेपाला फिर से उसे बाड़े में छोड़ देता है। अब जैसे जैसे ये पिल्ला बड़ा हो रहा था, इसकी शरारतें भी बढ़ती जा रही थी। बाड़े में रुकना तो उसे पसंद ही नहीं था। वह कुछ ना कुछ जुगत लगाकर बाड़े से बाहर निकलाता था। वह बाड़े की बाउंड्री की जड़ों को खोदकर अपने लिए रास्ता बना लेता था। बाहर निकलकर शेपाला को भी परेशान करता था। वह पिल्ला शेपाला के साथ खेलने की कोशिश करता, लेकिन शेपाला को यह पसंद नहीं था। शेपाला जब कुत्तों को स्लेज कार की ट्रेनिंग के लिए लेकर जाता तो ये पिल्ला भी उनके पीछे पीछे आ जाता था। इसकी बदमाशियों से बाकी कुत्तों में खलबली मच जाती थी। कई बार तो बिना ट्रेनिंग दिए ही शेपाला को लौटना पड़ता था। वो पिल्ला उसे और तंग ना कर सके, इसके लिए शेपाला बाड़े की बाउंड्री की जड़ों में पत्थर भर देता है ताकि वो पिल्ला खड्डा खोदकर बाहर ही ना निकल सके। लेकिन वह पिल्ला इसके बावजूद भी गड्ढा खोदकर बाहर निकल आता है और फिर से ट्रेनिंग एरिया में जाकर वही हरकतें करता है। परेशान होकर शेपाला उसे घर में ले जाकर बंद कर देता है और कुत्तों को ट्रेनिंग के लिए ले जाता है, लेकिन वो पिल्ला उसने तो जैसे चाणक्य की झूठन खाई हुई थी। उसका दिमाग इतना तेज था कि उसने उस घर से बाहर निकलने का रास्ता भी आखिर खोज ही लिया। और फिर से वह शेपाला को डिस्टर्ब करने पहुंच गया। अब हद हो गई थी। शेपाला तय कर लेता है कि वह उस पिल्ले को किसी और को दे देगा। शेपाला की बीवी उसके इस डिसीजन से नाराज भी होती है, लेकिन शेपाला इसके बावजूद उस पिल्ले को अपने एक दोस्त के हवाले कर देता है। अब शेपाला ने चैन की सांस ली और बिना किसी डिस्टर्बेंस के अपने काम करने लगा। वह अगले दिन अपनी टूटी छत की मरम्मत कर रहा था, तभी उसका वह दोस्त वापस आता दिखता है। वो उस पिल्ले को ही वापस छोड़ने आया था। उसने कहा कि यह कुत्ता मेरा उतना काम नहीं करेगा जितना कि नुकसान कर देगा। शेपाला परेशान था क्योंकि मुसीबत फिर से लौट आई थी, लेकिन उसकी बीवी वो बड़ी खुश हुई और वो मुस्कुरा रही थी। लेकिन शेपाला भी इतनी आसानी से हार नहीं मानना चाहता था। वह उसे ले जाकर एक औरत को दे देता है जिसे एक पेट डॉग चाहिए था। उसे एक कुत्ता चाहिए था जो भेड़िए जैसे जानवरों को उसके घर से दूर रख सके। शेपाला और उसकी बीवी वापस घर लौट आते हैं, लेकिन वो पिल्ला, बाप रे बाप, घर का कांच तोड़कर वहां से भाग जाता है और सीधा वहां जा पहुंचता है जहां शेपाला कुत्तों को ट्रेनिंग दे रहा था। शेपाला उसे देखता है तो अपना सर पकड़ लेता है। शेपाला ने देखा कि उसके पांव से खून निकल रहा था। वहां एक जख्म था जो कि खिड़की तोड़ते समय कांच उसके पैर में चुभने से हुआ था। शेपाला उसे स्लेज कार में बिठा लेता है, लेकिन वो एक जगह कहां टिकने वाला था। वह उतरकर स्लेज डॉग्स के पास जाकर खड़ा हो जाता है। ये देख शेपाला उसे स्लेज डॉग बनने का एक मौका देता है और उसे स्लेज कार खींचने वाले सबसे पीछे वाले डॉग के साथ बांध देता है। अब शेपाला स्लेज पर सवार हो जाता है, लेकिन कुछ ही देर में वो देखता है कि वो पपी अपने साथ वाले डॉग को पीछे छोड़कर आगे दौड़ रहा था, मतलब कि उसका जोड़ीदार उसके लायक नहीं था। शेपाला थोड़ा हैरान और थोड़ा इंप्रेस भी था। उसने पपी की पोजीशन चेंज करते हुए उसे एक स्टेप आगे जोड़ दिया, लेकिन आश्चर्य कि उसने वहां भी अपने जोड़ीदार को पछाड़ दिया। शेपाला ने फिर उसकी जगह बदल डाली, लेकिन वो तो शेपाला को आश्चर्य के झटके दिए जा रहा था।
साइज में सबसे छोटा होते हुए भी उसने एक एक करके सभी कुत्तों को पछाड़ दिया था। अब एक ही पोजीशन बची थी, लीड डॉग की पोजीशन। सेपाला उसे लीड पोजीशन यानी कि स्लेज कार के सबसे आगे जोड़ देता है, और सेपाला हैरान था देखकर कि वो पप्पी लीड पोजीशन बहुत अच्छे से संभाल रहा था, साथ ही बाकी डॉग्स उसे फॉलो भी कर रहे थे। सेपाला जब घर लौटता है तो उसकी बीवी देखती है कि सेपाला ने उस पप्पी को स्लेज में सबसे आगे जोड़ा हुआ है। वो बहुत खुश हो जाती है। सेपाला अपनी बीवी को उत्साहित होते हुए कहता है कि जिस कुत्ते को मैं अब तक कमजोर, नकारा और शरारती समझ रहा था, वो तो एक लीड डॉग है। दोस्तों, एक स्लेज कार में लीड डॉग का रोल बहुत खास होता है। एक लीड डॉग में एनर्जी लेवल के साथ अपने मशर यानी कि अपने राइडर को समझने की काबिलियत भी होनी बहुत जरूरी होती है, साथ ही बाकी डॉग्स उसे फॉलो भी करें, यह भी इम्पोर्टेंट है। सेपाला आज बहुत खुश था, और आज ही उस पप्पी को एक नाम भी दिया जाता है, टोगो। अब यह कहानी यहाँ से 2 साल आगे बढ़ती है। सेपाला ने टोगो को बहुत अच्छे से ट्रेन कर लिया था। वह टोगो की मदद से कई सारी रेस भी जीत जाता है। इसमें से एक ऑल अलास्का डॉग स्लेड स्वीपस्टेक्स रेस भी होती है। अलास्का में बहुत फेमस यह रेस 408 मील की होती है। टोगो नोम शहर का सबसे फेमस डॉग बन चुका था, लेकिन ये उपलब्धियां बहुत छोटी थी उस कारनामे के आगे जो टोगो को अभी अंजाम देना था। टोगो किसी और ही मकसद के लिए बना था। अब धीरे धीरे समय बीतने लगता है। 12 साल गुजर जाते हैं। साल है 1925। पूरे नोम शहर में डिफ्थेरिया नाम की बीमारी फैल चुकी थी। बीमारी के शिकार छोटे छोटे बच्चे हो रहे थे। ऐसे में नोम शहर के मेयर नियाना शहर से इस बीमारी की एंटीडोट मंगवाने पर काम कर रहे थे। नियाना सिटी नोम से 950 मील दूर थी, और ये एंटीडोट फ्लाइट से यहाँ आनी थी, लेकिन उस समय भयंकर बर्फीले तूफान चल रहे थे और फ्लाइट की सर्विसेज पूरी तरह ठप थी। शायद कुदरत भी एक हीरो को सबके सामने लाने के लिए बहाने तैयार कर रही थी। इस गंभीर परिस्थिति में नोम शहर के मेयर एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं और जिम्मेदार लोगों से चर्चा करने लगते हैं कि इस आपातकाल की घड़ी में शहर के बच्चों को कैसे बचाएं, और वहाँ इस मीटिंग में सेपाला भी मौजूद था। मीटिंग खत्म हो जाती है। उसके बाद सेपाला हॉस्पिटल में उन बच्चों को जाकर देखता है जो डिफ्थीरिया की चपेट में आकर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। ऐसे में सेपाला यह निश्चय करता है कि वह अपनी स्लेज कार से नियाना शहर जाएगा और किसी भी हाल में वो एंटीडोट लेकर आएगा। वह घर आकर अपनी बीवी को अपने इस फैसले के बारे में बताता है, तो उसकी बीवी भी घबरा जाती है। वो कहती है कि ऐसा तूफान जो सदियों के बाद देखा गया है, उसके बीच से एक स्लेज कार पर 950 मील लंबा सफर करना सरासर सुसाइड अटेम्प्ट है। सेपाला कहता है कि अगर मैं टोगो को अपने साथ ले जाऊं तो शायद मैं उस एंटीडोट को ला पाऊंगा। तो उसकी बीवी बोली, टोगो 12 साल का हो चुका है, वो बूढ़ा हो गया है, और अगर तुम उसे इस सफर में ले गए तो ये आखिरी बार होगा कि मैं उसे जिंदा देख रही होंगी। तब सेपाला कहता है कि अगर मैं टोगो को अपने साथ नहीं ले गया तो शायद ये आखिरी बार होगा कि तुम मुझे जिंदा देख रही होगी। अब सेपाला की बीवी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। आखिर वो समय आ जाता है जब सेपाला लीड डॉग टोगो और अपने बाकी कुत्तों के साथ उस नामुमकिन से दिखने वाले सफर पर निकलता है। पूरा शहर उसे विदा करने के लिए घरों से बाहर खड़ा था। सफर शुरू हो जाता है और इनका सामना पहले बर्फीले तूफान से होता है। टोगो बिना हिचकिचाए उस तूफान में घुस जाता है। तूफान में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। बाकी कुत्ते भी उसे फॉलो करते हुए तूफान में घुस जाते हैं। उसे पार करने पर सामने एक ढलान वाला रास्ता था। टोगो ढलान पर उतरने लगा और उसके पीछे स्लेज कार। यहाँ फिर से बर्फीली आंधी शुरू हो जाती है। सेपाला को आगे का रास्ता बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। ढलान के आगे गहरी खाई थी जिसका अंदाजा सेपाला को नहीं था, और वह रास्ता क्लियर जानकर डॉग्स को आगे बढ़ने के लिए कहे जा रहा था। लेकिन टोगो खाई को समय रहते सेंस कर लेता है और अपनी सूझबूझ से बाकी कुत्तों के साथ सेपाला की जान भी बचा लेता है। सेपाला टोगो के उपकार के प्रति मन ही मन आभार जताता है और आगे बढ़ जाता है। नियाना शहर के रास्ते में बीच बीच में कुछ आउटपोस्ट बनी थी। सेपाला रात बिताने के लिए एक आउटपोस्ट पर रुक जाता है। उस आउटपोस्ट पर 2 लोग मौजूद थे, जिनमें से एक डॉक्टर भी थी। वो जब टोगो को चेक करती है तो देखती है कि टोगो के पैर में मोच आ रखी थी। वो उसका ट्रीटमेंट भी कर देती है। सुबह जब बाहर देखा तो मौसम और भी ज़्यादा खराब हो चुका था, लेकिन सेपाला रुकना नहीं चाहता था। जाने से पहले आउटपोस्ट पर मौजूद लोगों से वो कहता है कि जब तक मैं एंटीडोट लेकर ना लौटूं, तुम किसी इंसान के कॉन्टैक्ट में मत आना, वरना उस वायरल डिजीज से तुम भी बीमार पड़ सकते हो। सेपाला अपने सफर को जल्दी पूरा करने के लिए जहां हो सकता था शॉर्टकट रास्ता चुन रहा था। ऐसे ही एक शॉर्टकट लेने के दौरान वो एक झील के ऊपर से गुजरता है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन होने के कारण झील का पानी जम चुका था। इस समय टेम्परेचर -60 तक पहुंच गया था। झील को पार करते वक्त स्लेज कार के वजन से झील की ऊपरी परत में दरार पड़ने लगती है। अगर स्पीड कम हुई तो ये सब बर्फ के नीचे झील के जमा देने वाले पानी में गिर जाएंगे। बाकी कुत्ते घबराने लगे, लेकिन टोगो विचलित नहीं हुआ। वो आगे बढ़ता जा रहा था।
और उसकी कमांड की वजह से बाकी डॉग्स भी सही गति में दौड़ पा रहे थे और आखिर उन्होंने इस झील को पार कर लिया। यहां हम टोगो में बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी हार नहीं मानने का वो जज्बा देख पाते हैं जो हमें एक शिक्षा भी देता है कि बड़े लक्ष्य को हासिल करने से पहले मुसीबतें कई रूपों में आकर हमें डराती हैं। डर कर रुक गए तो हार और लड़ते रहे तो उस पार। उधर अब तक सभी अखबारों में ये खबर छा गई थी कि एक आदमी कुछ कुत्तों के साथ अपनी स्लेज कार लेकर डिफ्थेरिया की एंटीडोट लाने के लिए इतने बड़े सफर पर निकला है। झील को पार करके शिपाला अगले आउटपोस्ट पर थोड़ी ही देर बस आराम करता है और फिर से अपने सफर पर बढ़ चलता है। नोम के मेयर शिपाला की मदद करने के इरादे से नियाना में ये व्यवस्था कर देते हैं कि कोई दूसरी स्लेज कार नियाना से उस एंटीडोट को लेकर नोम की दिशा में आना शुरू करे जो कि शिपाला को पूरा सफर करने की जरूरत ना पड़े और उसे रास्ते में ही एंटीडोट मिल जाए। लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि शिपाला तो रास्ते को छोटा करने के लिए शॉर्टकट अपनाता जा रहा था। ऐसे में सामने से आने वाली स्लेज से मिलान होना मुश्किल लग रहा था। लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने की जिद पालने वालों का साथ किस्मत भी देती है। वो सामने से आने वाली स्लेज कार इनसे मिल जाती है और एंटीडोट लेकर शिपाला फिर से वापसी का रास्ता पकड़ लेता है। शिपाला आखिरी बार जिस आउटपोस्ट पर ठहरा था वहीं पहुंचकर वो फिर से आराम करता है। टोगो उसके साथ ही आराम कर रहा था। जब भी ये लोग आराम करने रुकते थे तब शिपाला और टोगो साथ साथ ही आराम करते थे। नियाना की तरफ से आने वाली स्लेज कार का मशर भी आराम करने के लिए इसी आउटपोस्ट पर आ जाता है। वो शिपाला से कहता है कि हालांकि उसने बहुत ही छोटा सफर किया है लेकिन इस तूफान ने उसके डॉग्स को पूरी तरह से तोड़ डाला था। लेकिन तुम इसी तूफान में इतना लंबा सफर इस कुत्ते के सहारे कर पाए ये बहुत बड़ी बात है। मैंने इतना जीवट कुत्ता अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा लेकिन लगता है कि अब ये थक चुका है, इससे आगे का सफर ये नहीं कर पाएगा। अच्छा होगा कि वो उसे वहीं छोड़कर बाकी कुत्तों को लेकर आगे बढ़ जाए। लेकिन शिपाला कहता है कि टोगो मेरा लीड डॉग है और इसके बगैर ये सफर मैं कभी पूरा नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद शिपाला एंटीडोट को यहां तक पहुंचाने के लिए उसे थैंक्स कहता है। कुछ देर आराम कर वो फिर से सफर पर रवाना हो जाता है। मेन रास्ता लेने के बजाय शिपाला वापसी में भी शॉर्टकट ही अपनाता है और वह उसी झील के ऊपर से गुजरता है। लेकिन मौसम में बदलाव होने के कारण अब झील पिघलना शुरू हो चुकी थी। झील की ऊपरी परत पहले के मुकाबले पतली और कमजोर हो चुकी थी। लेकिन टोगो बिना हिचके अब भी उस झील पर बाकी डॉग्स को लीड करते हुए बढ़े जा रहा था। इस बार मुश्किलें पहले से भी ज्यादा थी। बीच रास्ते बर्फ के टूटने की वजह से स्लेज कार फंस जाती है लेकिन टोगो ने असाधारण हिम्मत का परिचय देते हुए इस बार भी स्लेज कार को वहां से निकाल लिया था। यह झील आम झीलों की तरह कोई छोटी सी झील नहीं थी। अभी इसे पार करने में बहुत वक्त और लगना था। शिपाला लगातार डॉग्स को मोटिवेट कर रहा था। स्पीड कम होना या उनका रुक जाना, इन दोनों सूरत में सबकी जान को खतरा था क्योंकि झील लगातार पिघलते जा रही थी। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी के साथ इसका फिल्मांकन भी बहुत जबरदस्त है। मैं आपको पर्सनली भी ये फिल्म देखने के लिए रिकमेंड करूंगा क्योंकि इस फिल्म के जबरदस्त सीन कॉपीराइट इश्यू के कारण मैं यहाँ दिखा नहीं सकता, खासकर ये झील वाला सीन। आगे हम देखते हैं कि झील के ऊपर की बर्फ टूटना शुरू हो गई थी। ये सब किनारे के बहुत पास पहुंच गए थे लेकिन इनकी स्लेज कार बर्फ के एक बड़े टुकड़े पर अटक गई थी। यह टुकड़ा किनारे से अब भी दूर था। शिपाला को लेकिन टोगो पर अब भी विश्वास था कि वो उसे वहां से निकाल लेगा। शिपाला टोगो के गले से एक रस्सी बांध देता है और उस पूरा जोर लगाकर उसे किनारे पर फेंक देता है। अब इस फिल्म का सबसे रोमांचक सीन हम देखते हैं। टोगो अकेला अब न केवल स्लेज कार को बल्कि उस बर्फ के भारी टुकड़े को किनारे की ओर खींचना शुरू कर देता है। टोगो बहुत थका होने के बावजूद भी अपने शरीर की बची हुई सारी एनर्जी बर्फ के टुकड़े को खींचने में लगा देता है और आखिर उसके जज्बे की जीत होती है। टोगो ने एक बार फिर सबकी जान बचा ली थी। किनारे पहुंचकर शिपाला टोगो को गले से लगा लेता है। आपको फिर से याद दिला दूं कि यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि टोगो ने सच में ये सब कारनामे किए थे। शिपाला यहां से आगे बढ़ चलता है और उसी आउटपोस्ट पर पहुंच जाता है जहां वो आते समय सबसे पहली बार रुका था, जहां वो दोनों लोग अब भी मौजूद थे। इस दौरान वो डॉक्टर फिर से टोगो का चेकअप करती है और उसकी हालत को महसूस कर उसके आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। शिपाला उससे पूछता है कि वो रो क्यों रही है, तो वो डॉक्टर कहती है कि ये मर रहा है और इसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। ये सुनकर शिपाला बहुत दुखी हो जाता है। टोगो के लिए वहाँ मौजूद तीनों लोगों की आंखें नम हो गई थी। नोम शहर में शिपाला की वाइफ शिपाला की मदद के इरादे से एक मच्छर को भेजने का सोचती है जिसका नाम गनर था। वो उसे अपने बचे हुए सबसे बेस्ट डॉग देती है और उन डॉग्स में फॉक्स और वोल्टो नाम के डॉग्स को लीड करवाने के लिए गनर को सजेस्ट करती है। गनर शिपाला की ओर रवाना हो जाता है। उधर शिपाला रात को आराम करके सुबह जब वहां से निकल रहा होता है
तो देखता है कि वह झील पूरी तरह पिघल चुकी थी, यानी कि झील पार करने में थोड़ी सी देर इन्हें अगर हो गई होती तो ये सब भी इस झील में समा जाते। ईश्वर का और टोगो का मन ही मन आभार जताते हुए शेपाला लौटने लगता है। टोगो की हालत को समझते हुए शेपाला उसे स्लेज कार से ना जोड़कर उसे अपने साथ स्लेज में बिठा लेता है और उसे आराम करने को बोलता है। लेकिन टोगो तो आखिर टोगो ही था, उसे आराम करना तो जैसे अपमान जैसा लगता था। वह कार से उतरकर फिर से लीड पोजीशन पर जा खड़ा होता है। शेपाला टोगो को उसके बचपन से जानता था, उसने ठान लिया है तो वो लीड ही करेगा। टोगो को फिर से लीड डॉग की जगह जोड़कर वो अपना सफर शुरू कर देता है। आगे बढ़ने पर इनका सामना फिर एक बड़े तूफान से होता है और शेपाला को आगे रास्ता दिखना पूरी तरह बंद हो जाता है। शेपाला स्लेज कार को रोककर टोगो के पास जाता है और उसे कहता है कि टोगो मुझसे ये नहीं होगा, आगे का रास्ता अब तुम्हें ही दिखाना होगा और अब केवल तुम ही हमें इस तूफान से निकाल सकते हो और अगली आउटपोस्ट पर ले जा सकते हो। टोगो भी जैसे उसकी बात को समझ गया था। अब शेपाला फिर से स्लेज कार में सवार हो जाता है और टोगो अपनी समझ से रास्ता बनाता हुआ आगे बढ़ने लगता है। आखिर हम देखते हैं कि टोगो ने यह जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई थी और उसने सबको अगली पोस्ट पर पहुंचा दिया था। इस आउटपोस्ट पर गनर इन्हें मिल जाता है और शेपाला टोगो की हेल्थ को देखते हुए एंटीडोट सीरम के बॉक्स गनर के हवाले कर देता है ताकि टोगो को आराम करने का मौका मिल सके। आखिर तो लक्ष्य एंटीडोट को नोम पहुंचाने का ही था। गनर एंटीडोट लेकर नोम को रवाना हो जाता है और शेपाला अपने कुत्तों के साथ वहीं रुक जाता है। आउटपोस्ट पर मौजूद आदमी टोगो को देखकर ताज्जुब कर रहा था। वो कहता है कि तुमने एक 12 साल के बूढ़े कुत्ते के सहारे इतना लंबा सफर और वो भी तूफानों से भरा हुआ, आखिर ये रास्ता पूरा कैसे किया? मेरे लिए इस बात पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। हम देख पाते हैं कि इस मुश्किल सफर के बाद टोगो के पैर की मोच फिर से उभर आई थी। उधर गनर एंटीडोट को नोम सिटी पहुंचा देता है। बीमारों का इलाज शुरू हो जाता है और जल्दी ही बच्चे ठीक होना शुरू हो जाते हैं। शेपाला भी अब घर आ गया था। उसने घर आते ही टोगो को सीधे अपने बेडरूम में लेटा दिया। ये देखकर शेपाला की बीवी बहुत हैरान होती है क्योंकि आज से पहले शेपाला ने किसी भी डॉग को अपने कमरे में आने की परमिशन नहीं दी थी, यानी कि शेपाला ने टोगो को अपने जीवन में आज एक खास दर्जा दे दिया था। अगले दिन नोम सिटी के मेयर और बाकी शहर के लोग शेपाला के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आते हैं और उसका आभार जताते हैं। उनमें एक छोटी सी बच्ची भी थी जो टोगो को देखकर कहती है, क्या ये अब मरने वाला है? शेपाला को उसकी बात अच्छी नहीं लगती, साथ ही वह बहुत उदास भी हो जाता है। शेपाला की वाइफ उसे दिलासा देती है और समझाती है, लेकिन शेपाला रोते हुए कहता है कि तुमने उस दिन ठीक कहा था, यह सफर टोगो की जान ले लेगा और मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी थी। टोगो की हालत का जिम्मेदार वो खुद को मान रहा था। कहानी में ब्रेक लेते हुए कुछ अपनी बात। प्यारे साथियों, चैनल अभी नया है, स्वार्थ मेरा इतना है कि आप दर्शकों का भरपूर प्यार मुझे मिले, लेकिन तभी जब मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए ये आपके ऊपर निर्भर है। आपका हर लाइक एक नया दर्शक मुझे देगा और कमेंट कुछ ज़्यादा ही असर करते हैं। आगे यदि आप मुझे फिर से सुनना पसंद करते हैं तो इसी तरह से प्यार देते रहें। तो चलिए फिर से हम चलते हैं कहानी की ओर। अगले दिन शेपाला स्लेज कार लेकर कहीं जा रहा था। टोगो घर पर ही था। देखने से टोगो की हालत अब थोड़ी ठीक लग रही थी। टोगो शेपाला को जाता देखकर घर से बाहर निकल आता है और दौड़कर उसके पास पहुंच जाता है। यह देखकर शेपाला को आज एक बात समझ आती है कि टोगो इतने साल लीड डॉग बनकर उसके साथ जो रहा वो इसलिए नहीं कि शेपाला ने उसे ट्रेनिंग दी थी, बल्कि वो लीड डॉग इसलिए बना क्योंकि उसे तो बस शेपाला के साथ रहना था। अपने लिए टोगो के इस समर्पण को शेपाला आज समझ पाया था। टोगो शेपाला को बचपन से पसंद करता था, लेकिन शेपाला ने उसके प्यार को आज समझा था, तो उसके बाद शेपाला उसे अपने घर में अपने साथ जगह दे देता है और वो उसे अब अपने पेट की तरह साथ रखता है। टोगो भी शेपाला के साथ बहुत खुश था। दोनों अब रोजाना साथ ही घूमने भी जाते हैं। शेपाला और उसकी बीवी दोनों ही टोगो के साथ अपनी लाइफ की खूबसूरत मेमोरीज बना रहे थे। लेकिन एक बड़े कन्फ्यूजन के कारण उस दौर में टोगो के उस साहसिक कारनामे का श्रेय किसी और को मिल जाता है। हुआ यह था कि जब गनर नाम का वो मशर जो शेपाला से एंटीडोट लेकर नोम आया था, तब एक पत्रकार ने उसे ही पूरी यात्रा करने वाला मशर समझ लिया था। पत्रकार ने उसका और उसके डॉग्स का नाम लिखकर स्टोरी आगे भेज दी थी और कन्फ्यूजन के चलते गनर के डॉग वोल्टो को कहानी का हीरो समझकर 1925 में न्यूयॉर्क सिटी में स्लेज डॉग वोल्टो का स्टैचू भी बना दिया गया था। लेकिन टोगो ने वो खतरनाक यात्रा किसी अवार्ड के लिए थोड़ी की थी,
उसने तो अपनी जान शेपाला के लिए जोखिम में डाली थी। शेपाला जिंदा था, सुरक्षित था और सबसे बड़ी बात कि वो शेपाला के साथ था। यह उसके लिए दुनिया की किसी भी अवार्ड से बड़ी उपलब्धि थी। और भले दुनिया कुछ भी समझे, लेकिन नोम का तो बच्चा बच्चा अपने हीरो को पहचानता था। टोगो ने इसके बाद अगले 2 साल अपनी फैमिली को आगे बढ़ाया, यानी कि छोटे छोटे टोगोज का वो पापा बना और उसकी ब्लड चैन के पपीज को पाने के लिए दुनिया भर के मशर्स की लाइन लगने लगी। एंटीडोट लाने के 4 साल बाद, यानी कि सन 1929 में टोगो दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कहकर चला गया। साल 2011 में टाइम मैगजीन में छपे एक आर्टिकल के बाद दुनिया को 1925 के असली हीरो टोगो के बारे में पता चला, और यह भी कि 1925 में उस एंटीडोट को लाने के लिए कुल 20 मसर्स ने स्लेज कार से सफर शुरू किया था, लेकिन इनमें से 19 मसर्स ने एवरेज 31 माइल्स का सफर ही पूरा किया था। एक अकेला शेपाला ही वो मशर था जिसने टोगो की मदद से 264 माइल्स का सफर पूरा किया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको टोगो की ये कहानी, मुझे कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, एक लाइक तो बनता है बॉस। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक और किसी फिल्म के बेहतरीन नरेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।